जी वेलकम बैक। कैसी लगी आपको ये बताइए कि कितनी डिजर्विंग है, इनको मिलना चाहिए मेकओवर या नहीं। इसी तरह पूरा वीक हम आपको दिखाएंगे डिफरेंट शहरों से जिन लेडीज ने हमें टेक्स्ट किया, आप भी टेक्स्ट करें अगर आपको मेकओवर चाहिए अपने घर का, एक रूम बहुत ही क्लासी बहुत स्टाइल हमें गिफ्ट करने दें, चैन वन को गिफ्ट करने दें। और अब हम मिलाते हैं जी आपको दिस इज इट सेगमेंट के हमारे विनर्स जो कि माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के टॉप मॉडल्स अब भी बन गए, सुपर मॉडल्स। बाकी अब और जितनी मेहनत करेंगे उतना उनका स्टेटस जो है अच्छा होता जाएगा। तो पहले तो मिलते हैं तौसीफ से। एंड तौसीफ इज लुकिंग सो डिफरेंट। मुझे याद है जब हमने इनका ऑडिशन किया था लाहौर में, और लाहौर में जब हम इनसे मिले थे तब के तौसीफ और आज के तौसीफ में बहुत फर्क है। आइए तौसीफ, अस्सलाम वालेकुम। और मैं कहा वॉक करते हुए आओ, अब घूम जाओ, शाबाश, घूम घूम के। पहले हम तो खड़े होकर जरा तौसीफ को देखे, माशाल्लाह हमारे मॉडल हैं। हाजर म्यूजिक अंदर थे, माहौल बने ना हीरो का जरा मूड हो। वेरी नाइस, प्लीज बैठे जरा बता, तू म्यूजिक लगाओ जरा जबरदस्त सा कोई, जरा मॉडल टाइप म्यूजिक कौन सा होता है। वही तुम्हारा गाना लगा जिससे हम लोग तो चिढ़ गए लेकिन लोगों को बड़ा पसंद आया है, रिमेम्बर माई नेम, जो वो बड़ा अच्छा लगा यार, फ्लैश बैक का जो हमने गाना लगा था, फ्लैश बैक मतलब जब तुम आए थे तब तुम्हें क्या कहा था जजेस ने उस वक्त, याद है ऑडिशन किस तारीख को ऑडिशन हुई थी, याद है आपको? आई थिंक सो तीन महीने पहले की बात है, तीन चार महीने पहले की बात है। और क्या कहा था तब जजेस ने आपके बारे में, क्या फीडबैक दी थी? माजर फानी का ये था कि तौसीफ यू हैव टू लूज योर वेट, और बस हर टाइम उन्हें मुझे यही सुनने को मिलता था वहाँ पे। और क्योंकि पिक्चर्स में आई थिंक आपका कम वेट, पिक्चर्स जब आई थी पोर्टफोलियो उसमें कितना वेट था, जब हम मिले तो कितना वेट? पिक्चर्स जो मैंने पोर्टफोलियो के सेंड की थी उसमें था मेरा आई थिंक सो 72, और फिर उसके बाद वेट गेन कर लिया मैंने, फिर कितने थे? 85 पे थे जब आए थे ऑडिशन पे, ओफो, और अब मैंने 70 पे कर लिया। पहले से भी कम, ये देखो एक ड्राइव चाहिए होती है जिंदगी में, एक इंस्पिरेशन। 85 क्यों हुआ 72 से? बस रेस्ट किया और ढीले पड़े हुए, नॉर्मल हम सब हो जाते हैं, केयरलेस होते हैं, लेकिन जब एक एक मिलता है एक रीजन यार मुझे कम कर। जब आप आए थे फिनाले में तब कितना वेट था? तब वेट मेरा था 70, आई थिंक 6 or 7, तब भी ज्यादा था। और कितनी अच्छी बात है, अब ये जीत के लड़का ढीला पड़ सकता था ना कि अब मैं जीत गया हूँ, मैं मॉडल बन गया हूँ, मैं जीत गया हूँ, लेकिन उसके बाद भी आपकी स्ट्रगल जारी रही है टिल यू रीच्ड योर 70 केजी, अभी आपका आइडियल वेट है। क्या किया इसके अलावा, कितने फाके किए? बहुत, बता नहीं सकता। सोच लें कि खाना पीना तो बिल्कुल बंद था बिल्कुल, और आपके डाइट प्लान से भी काफी मुझे फर्क पड़ा, जैसे चले जी शहजाद से भी साथ में मिलते हैं, पूछते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चेंज आया, वो तो चली पहले ही माइनस की तरफ जा रही है, साइड जीरो भी नहीं मैं कहती उससे भी, तो उसके अलावा क्या इसमें चेंज आया है? बिल्कुल मिलते हैं जी हमारी जो फीमेल कंटेस्टेंट जो जीती है, 15,000 पोर्टफोलियोज है इनमें से ये दोनों जीते हैं, कितनी बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, आइए। ये तो नॉर्मल भी चलता है तो लगता है कैटवॉक कर रही है। अरे वाह, वेरी नाइस, बैठे। हाउ आर यू? आई एम गुड, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, चलता है, वो हैवी बॉडी करीब टेबल हुआ है, टेबल ही परेशान है यार, ये तो टांगे लंबी है ना। हाँ ये मस्त है, टांगे लंबी है खुद ही उसने, देखो बता दे। अच्छी बात है, तुम तौसीफ बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं देख रही थी जब हम लोग सब रिहर्सल्स वगैरह सारा जो हमारा प्रिपरेशन थी। शहजाद तुम कैसा बोलती हो? बहुत कम बोलती हूँ मैं, बहुत कम बोलती हूँ मेरे ख्याल से, मैं इनसे ज्यादा बोलती हूँ। अच्छा नहीं, हम लोगों ने इतना ज्यादा वैसे देखा नहीं ना, उसमें जो टीवी पे नहीं चला, तो आज तो बोलो और मैं तौसीफ सुनेंगे। बस आप मेरे से कुछ पूछे, क्या क्या बुलवाना चाह रही हैं, क्या क्या बोलूं, इतनी एक्साइटेड हो, क्या चेंज आया? जब तुम ऑडिशन पे आई थी, हमने कराची में लास्ट ऑडिशन किए थे, यू वर देयर जी, क्या उस वक्त कॉमेंट्स मिले थे तुम्हें? उस वक्त सबसे पहला जो मुझे कमेंट मिला था, जो कि बड़ा मेरे लिए ऐसा था, डिसअपॉइंटेड हो गई थी ये सुनकर कि जब मुझे पता चला कि मेरी तस्वीरें बहुत बुरी थी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पोर्टफोलियो नहीं था, तो मुझे लगा उस वक्त, मैंने कहा कि यहाँ तक तो पहुँच गई हूँ, सिलेक्शन पता नहीं फिर भी होती है कि नहीं होती है, क्योंकि पिक्चर्स में मुझे थोड़ा सा वो था कि पोर्टफोलियो नहीं थे, बाकी सबके थे,
तो लेकिन ये था कि कॉन्फिडेंट मुझे अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है इस चीज पे कि इतना मुझे यकीन था कि मैं जरूर आगे मैं बढ़ूंगी. कोई बात नहीं, पिक्चर्स मेरी जैसी भी हैं, एटलीस्ट पर्सनैलिटी सामने आपके खड़ी हुई है, आप लोगों ने सवाल जवाब पूछे हैं सब कुछ, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ देखा होगा. तो आई टेल यू, यू वर लकी बिकॉज बहुत सारे पोर्टफोलियोज जजेस ने ऐसे साइड पे कर दिए थे कि नहीं इसने, जब इतनी सीरियस नहीं है बंदी की, अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो भेजे, इसने आगे जिंदगी में क्या करना है. एग्जैक्टली. तो अच्छा सोचा था, तो दोनों जवाब देना, मैं दोनों से अब ये सवाल करने वाली हूँ. सोचा था कि जीत जाओगे और अब जब जीत गए हो माशाल्लाह, तो कैसा लग रहा है? हाउ इज योर लाइफ चेंज यार? क्या रिस्पॉन्स है फैमिली का, लोगों का? लाइफ इज टोटली चेंज. अब तो वो लोग बात करते हैं जो सोचा भी नहीं था कि बात करेंगे. अच्छा कैसे कैसे? फैमिली में कोई ऐसे रिलेटिव्स कुछ ऐसे हैं जो उन दिन के साथ नहीं था, और वो रोजाना जब से विन किया मैंने तो वो फोन पे फोन करते हैं कि तौसीफ ग्रेट, इट्स ऑसम, और ये वो रोजाना नए सुबह उठते हैं तो नए कमेंट्स लिस्ट भरी होती है और नई चीजें सुनने को मिलती हैं. लाइफ टोटली चेंज कर दी है सीरियसली नादिया. और बहुत अच्छा लग रहा है और ये चेंज, और मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट जियो पे और आपकी टीम को जाता है. थैंक यू सो मच. ये माशाल्लाह सेगमेंट हमने बहुत और ऐसे कॉन्टेस्ट किए हैं, ये इतना बड़ा खुद ब खुद बनता गया. Exactly. उसके बाद उसका फिनाले भी माशाल्लाह मुझे खुशी है कि उतना ही ग्रैंड हुआ. हाउ हैज लाइफ चेंज फॉर यू? मेरी लाइफ तो बिल्कुल ही इतनी ज्यादा छोटी सी फैमिली है, भाई मम्मी. एग्जैक्टली. और कोई भी नहीं, लेकिन यही है कि क्योंकि बहन भी मेरी जो है ना है वो कैलिफोर्निया में होती है, तो ये था कि सबकी तरफ से इतना सपोर्ट था, खासतौर से मेरे भाई हसन की तरफ से इतना सपोर्ट था. ज्यादातर अगर आपने देखा होगा कि बहनों भाई जो होते हैं वो नहीं करते हैं इस मामले में, सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने मुझे पुश किया कि नहीं गो फॉर इट, जाओ इसके लिए. और अच्छा, घर से बाहर रिस्पांस मुझे बताओ, रिलेटिव्स? घर से बाहर भी बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस था. मेरे जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबका शो के लिए बेताब रहते थे. ग्रैंड फिनाले का तो बिल्कुल ही ये था कि कब आएगा कब आएगा, बस वो यही सोचते रहते थे, पूछ पूछ के थक गए, अब तो आ जाए अब तो आ जाए. इवन फैन फॉलोइंग हो चुकी है, इतने लोग ऐड करने लगे. ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि देखो ये फैमिली वगैरह में तो है, बताओ कि आप कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने? बहुत सबके लिए. सबके लिए कैसे पता चल रहा है लोगों? मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि मैं एक दिन एक आउटलेट पे गया शॉपिंग के लिए, और उस दिन मेकिंग आज चली थी जियो पे ना, तो मैं उस बंदे के पास गया, मैंने कहा यार मेरे साइज का कोट मिल जाएगा? तो ही सेड तौसीफ साहब आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं. आई नो तौसीफ अमेजिंग, हमारी आवाज बहुत अच्छी. थैंक यू सो मच. और उस टाइम मैं बिल्कुल, मैंने कहा हाँ बिल्कुल कि यार, फिर मैंने उसको बताया कौन बंदा जीता. मैंने खैर नहीं डिस्क्लोज किया कि यार मैं ही जीता हूँ. मैंने कहा शाम को आप फाइनल देखिएगा और फिर बताइएगा. पता नहीं मुझे नाम नहीं याद उस बंदे का जो जीता है, सॉरी. और कोर्ट मुझे नहीं मिला, मैं वापस घर आ गया. उसके बाद फिनाले जब खत्म हुआ तो 12 बजे उस बंदे की मुझे कॉल आई. मैंने उसको नंबर दे दिया था कि अवेलेबल होगा मुझे बता दें. 12 बजे कॉल आई उसकी, एंड ही सेड कि तौसीफ आप अपना एड्रेस बताएं मुझे. मैंने कहा सर असर आपका कोड अवेलेबल है मेरे पास, मैं आ जाता हूँ, आप अपना एड्रेस दें मुझे. और यकीन माने रात के 1 बजे वो बंदा मेरे पास आया, जो प्राइस टैग उसको लगा था, इसने चार्ज नहीं किया मुझसे, और इतना मुझे अच्छा लगा. शुरू हो गए देखो माशाल्लाह लड़कों के इतने पल्स है शहजाद, तुम्हारे तो मतलब लोग बड़े दीवाने हो रहे होंगे यार. बहुत ज्यादा तो बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं हमारे, और बहुत ज्यादा मतलब अटेंशन मिलती है. तो क्या होता है कि जब बाहर निकलो तो स्ट्रेंजर्स का क्या मतलब रिएक्शन हुआ, और कितनी रिकॉग्निशन एनकेएस पे आके तुम्हें मिली? मुझे जब भी यानी कि मुझे इतना नहीं पता था कि ग्रैंड फिनाले से पहले भी कुछ लोग पहचानना शुरू कर देंगे, क्योंकि ग्रैंड फिनाले भी होता है ना कि हाँ ठीक है पहचान लिया, क्योंकि काफी ही दिन बाद आया था. लेकिन उसके बावजूद अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई मिल रहा है और पूछ रहा है, और दूर से कह रहे हो वो देखो वही है नादिया खान शो पे आई थी. उनको तो पता नहीं रहेगा जीत गई हूँ, क्योंकि मैं तो घूम रही हूँ यहाँ वहाँ. अब सबसे ज्यादा मजेदार सीन ये हुआ कि एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वालों ने मुझे पहचान लिया. अरे वाह बेस्ट है. उन लोगों ने मुझे पहचान लिया और कहने लगे कि आप तो वही है ना, आपने विन किया है और ये वो, तो पूछ रहे थे कब आ रहे हैं आपका शो, लाइव जा रही है? मैंने कहा हाँ. मैंने कहा आप भी जरूर देखिएगा, मेरा कल लाइव शो है. तो काफी खुश हो रहे थे. तो मुझे ये बड़ी खुशी है कि काफी लोग पहचानने लगे और अब आगे भी आना शुरू होंगे, अब सीजन 2 के लिए भी. माशाल्लाह ये तो रिस्पांस है जो कि इनको डिजर्व करते हैं एज अ गिफ्ट. लेकिन जो वैसे शो के बाद जो आपको गिफ्ट्स मिले, अच्छा क्या होता है कि हमने शुरू में अनाउंस नहीं किया. मुझे हमेशा पहले शुरू में लोग पूछते थे आप दे क्या रहे हैं हमारे, ना ये बड़ा दे क्या रहे हैं विनर्स को. मैं कह यार
आखिर में बताएंगे, ये ना कोई बंदा बड़ा बोले उसके बाद वो चीज ना हो, मैं तो बहुत मानती हूँ नजर लग जाती कुछ ये गड़बड़ हो जाए, तो एंड तक हमने वेट किया जब तक चीजें आप लोगों को मिल नहीं गई। मैंने कहा अब वो टाइम आता है कि हम बताएंगे जी आप लोगों को, एक तो डेफिनेटली विन करना जो है सबसे जीतना तो जीतना सबसे बड़ा तोहफा खुद में है, सबसे बड़ा रिवॉर्ड, लेकिन इसके अलावा भी चीजें क्या तुम लोग को बड़े बड़े तोहफे तहफ मिल रहे थे।